टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी कहाँ से मिलती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए? इसके थ्री सोर्सेज हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एनर्जी स्टोर होती है रेस्टिंग मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे ही मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो ये इस्तेमाल हो जाती है विद इन सेकेंड्स। तो फिर नई एनर्जी, न्यू एटीपी की ज़रूरत होती है टू सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है जो कि ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। और ये रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि आपको पिक्चर सी में नजर आ रहा है। लेकिन जब ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, जब बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर मोर एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट, जैसे कि आपको पिक्चर ए में नजर आ रहा है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल होता है जो स्टोर कर लेता है एनर्जी अपने फॉस्फेट बॉन्ड्स में। जब मसल रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो जितनी भी एक्सेस एटीपी होती है वो ट्रांसफर कर देती है अपनी एनर्जी इनटू क्रिएटिन और प्रोड्यूस करती है एडीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। तो ये एनर्जी रिजर्व के तौर पर काम करता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट अपने फॉस्फेट जो है ट्रांसफ़र कर देता है एडीपी को और बना देता है एटीपी एंड क्रिएटिन। तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होती है। तो जब एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है ए क्रिएटिन फॉस्फेट से, और जब इसकी कंसंट्रेशन डिप्लीट हो जाती है मसल्स में, तो मसल्स जो हैं वो टर्न हो जाते हैं टू ग्लाइकोलाइसिस एज एटीपी सोर्स, जैसे कि हमें यहाँ पिक्चर बी में नज़र आ रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को और उससे प्रोड्यूस करता है एटीपी। तो ये ग्लूकोज जो है प्रोवाइड कहाँ से होता है? या तो ब्लड में जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज होता है, या फिर जो मसल्स के सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसकी मेटाबॉलिज्म से। तो ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है टू एटीपी एंड टू पाइरोविक एसिड, और एनएरोबिक कंडीशन में ये पाइरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जो कि मसल फटीग में कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टू कंपनसेट एंड रीस्टोर एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट लेवल्स, और कन्वर्ट करने के लिए लैक्टिक एसिड को इनटू ग्लूकोज। तो जब तक ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो जाती तब तक ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज के बाद ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये तब तक हाई रहता है जब तक ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए और एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट रिस्टोर ना हो जाए और लैक्टिक एसिड जो है वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है मसल फटीग। मसल फटीग क्या है? यह है एक स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स इसमें क्या होते हैं? दे कैन नो लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स तो आ रहे हैं लेकिन उसके रिस्पॉन्स से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। एज यू नो एटीपी इज नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन एटीपी के रिजर्व जब रिड्यूस हो जाते हैं तो मसल फंक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? व्हेन नो एटीपी इज अवेलेबल तो कॉन्ट्रैक्चर्स और स्टेट्स ऑफ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट बिकॉज द क्रॉस ब्रिजेस आर अनएबल टू डिटैच। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं, जैसे कि आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है फिगर में, और एटीपी की जो है कंसनट्रेशन जो है वो लो हो जाती है, तो मसल्स के में जो क्रॉस ब्रिजेस बने होते हैं मायोसिन और एक्टिन के बीच में, तो वो डिटैच नहीं हो पाते। तो इसके नतीजे में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं।
कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं परमानेंट टाइटनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, जिसमें मसल्स के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो मूव करें। और इसके अलावा एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और आयनिक इम्बैलेंस जो है वो भी मसल फटीग की वजह बनता है, क्योंकि टेम्पररी बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड जो है वो उसकी वजह से क्या होता है कि इनफ ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होती टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन ब्लड, तो उसमें क्या होता है मसल जो है उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं और मस्कुलर फिटीग हो जाती है। लैक्टिक एसिड बिल्डअप की वजह से लोअर हो जाती है इंट्रा सेलुलर पीएच, जिसकी वजह से इंजाइम एक्टिविटीज भी इफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है टेटनी। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि कॉज होती है ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड में जब कैल्शियम की कमी होती है तो उससे टेटनी डिजीज होती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इससे हो जाती है इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, यानी मोटर नर्व्स जो हैं वो बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल हाई रेट पे एमिट करती हैं, जिसके नतीजे में मसल ट्विचेस एंड कन्वर्जन्स होते हैं। तो मसल ट्विच क्या होता है, ये स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मसल जो हैं बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बने हैं जिनको नर्व्स कंट्रोल करती हैं, तो किसी भी तरह का डैमेज नर्व्स को या फिर ओवर स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स की वजह से मसल फाइबर जो हैं वो ट्विच होना शुरू हो जाती हैं, यानी उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंड इसमें क्या होता है, मसल कन्वर्जन, यानी मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं रैपिडली रिपीटेडली और अनकंट्रोलेबली। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो इसके नतीजे में क्या होता है, कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, स्पैम ऑफ लैरिंग्स, यानी इससे क्या होता है डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में और स्पीकिंग में। नेक्स्ट इसमें हो जाती है रेस्पायरेटरी पैरालिसिस, यानी वीकनेस ऑफ मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, और इनके नतीजे में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है क्रैम्प्स। इन्हें हम कहते हैं टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, यानी प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन। इसमें कॉन्ट्रैक्शन पीरियड 6 सेकेंड से लेके आवर्स तक भी रह सकता है, जिसकी वजह से मसल्स पेनफुल हो जाते हैं, और ये मोस्टली थाई और हिप मसल्स में होता है और ज़्यादातर रात के टाइम होता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। एक इसका कॉज ये है लो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में ग्लूकोज की कमी की वजह से ये हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, अगर बॉडी में किसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन हो गई है, फॉर एग्जाम्पल वॉमिटिंग या डायरिया या स्वेटिंग की वजह से। फिर इसका एक और कॉज ये है इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, यानी एबनॉर्मल एक्साइटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम।